बड़ी खबर का रुख करते हैं। अवधेश राय कत्ल केस में मुख्तार अंसारी को यहां सजा का ऐलान कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, तो वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सुनाई है सजा। अवधेश राय कत्ल मामले पर सुनाया गया फैसला। 31 साल पहले हुआ था कांग्रेस लीडर अजय राय के भाई का कत्ल। अब यहां वाराणसी कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो लंबे वक्त के बाद आखिरकार यहां पर मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो चुका है। 31 साल पुराना ये मामला, जहां अब आखिरकार मुख्तार अंसारी को सजा करार दे दिया गया है। तो माफिया मुख्तार अंसारी को अवधेश राय कत्ल में दोषी करार दिया गया है। अब यहां पर सजा का भी ऐलान हो चुका है। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो यहां सजा सुनाया गया एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, अवधेश राय कत्ल मामले पर सुनाया गया फैसला। तो कोर्ट का फैसला आ चुका है लंबे इंतजार के बाद, और आखिरकार 31 साल के बाद मुख्तार अंसारी को सजा फिलहाल मिल गया। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है ये सजा। अवधेश राय कत्ल केस में मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो गया है। अवधेश राय कत्ल मामले पर सुनाया गया ये अहम फैसला। आपको बताएं कि तो ये तस्वीरें भी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके बाद अवधेश राय कत्ल केस में जो अब मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो चुका है, तमाम लोग यहां पर मुस्तैद हैं और लगातार वकील से बात करने की कोशिश भी जो है वो की जा रही है। तो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा का ऐलान कर दिया है, उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को। ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं लगातार, अब हम देखेंगे। तो वकील से बात करने की कोशिश लगातार चल रही है यहाँ पर। अवधेश राय कत्ल केस में हुई है 1 लाख जुर्माना हुआ है मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में। ये पहला नेताजी बोले उधर कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे आपने, किस तरह से आप लगातार 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा हम है, मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया आदेश दिया की सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार हैं, सब लोग धन्यवाद। कितनी उम्मीद थी इस फैसले को लेकर, कितनी उम्मीद थी? हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हमने गवाही की थी, जिरा दिया था, और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से ज्यादा से ज्यादा सजा इनको होगी और वो न्यायपालिका ने उनको संतुष्ट है। और भी कुछ न्यायपालिका ने पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से निर्णय दिया, हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत। क्या लगता है कि पूर्वांचल माफिया मुक्त होगा? इसकी बात हो चुकी है पूर्वांचल में, तौर से लड़ने वाला भी चाहिए, लड़ेगा जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से के खिलाफ खड़ा रहेगा। और हम सब लोग चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई की लड़ रहे हैं। आप लगातार इस मुकदमे को लेकर लड़ते रहे, लगातार गवाहियों पर आते रहे, किस तरह की गवाही आपके द्वारा सही रहेगा? खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए, और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी, सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करे और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा। इस लड़ाई में कितना दम लग गया? ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं है।
तो आप देख रहे हैं कि परिवार वालों में भी काफी खुशी जो है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि न्याय पर पूरा भरोसा था उन्हें। तो अवधेश राय कत्ल केस में मुख्तार अंसारी को सजा, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। अवधेश राय कत्ल मामले पर सुनाया गया यह अहम फैसला, लंबे वक्त के इंतजार के बाद आखिरकार फैसला यहाँ पर मुख्तार अंसारी को मिल चुका है।